सो तो है स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह लो याड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड लो याड स्टील में आज फिर से आपको लगभग चार परसेंट के आसपास बिग फॉल दिखाई दिया है तो ये शेयर आप देखोगे भी अब टूट रहा है ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है ना स्टॉक को एक हाई लेवल से उठाकर फंसे हुए हैं आप देखोगे मार्केट भी आज पॉजिटिव रहा है बट स्टॉक आपको आज फिर से नेगेटिव वे में दिखाई दिया है तो ऐसे में इसके कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं क्या स्टॉक के अंदर तेजी के चांसेस बन रहे हैं या फिर जो शेयर है यहाँ से और ज़्यादा टूटेगा एक अच्छा नीचे में सपोर्ट है अगर वो सपोर्ट टूटा भी फिर स्टॉक जो है आपको वही तेरह चौदह के आसपास भी आते हुए नज़र आ सकता है और उसके साथ साथ आप देखोगे भी लॉन्ग टर्म व्यू से अगर हम सोचें तो कंपनी के जो न्यूजें हमें देखने को मिली है पीछे आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी कदम रखने जा रही है अपना उसके साथ साथ आप देखोगे भी कंपनी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हर क्वार्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है तो ऐसे में अब आप देखोगे क्वार्टर फोर के नंबर्स भी आने वाले हैं तो यहाँ से भी हमें सुना काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि क्वार्टर फोर अच्छे आएंगे वहाँ से जो कंपनी है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस करते नज़र आएगी अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो इन फ्यूचर में आप देखोगे स्टॉक के अंदर तेज़ी के चांसेस बनेंगे यानी ये शेयर एक एक आपको हाई पोटेंशियल वाला देखने को मिल सकते हैं इस शेयर से हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं फंडामेंटली कंपनी अच्छी है फंडामेंटल के ऊपर भी नज़र डालेंगे उसके साथ साथ देखते भी कल के क्या लेवल्स रहने वाले हैं क्या हमें स्टॉक के अंदर करना चाहिए चार परसेंट की गिरावट आखिरकार क्यों आई है यहाँ पर आप देखोगे एट पॉइंट थ्री मिलियन की वॉल्यूम एन एस सी प्लस बी एस सी दोनों के अंदर लगी है यानी एटी थ्री लैख के आसपास वॉल्यूम वहीं आप देखोगे स्टॉक ने एक साल में साढ़े बाईस परसेंट के रिटर्न निकाल के दी है पच्चीस रुपये से स्टॉक टूट रहा है लगभग बत्तीस परसेंट स्टॉक टूट चुका है अपनी बाउंड्री खाए से तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है तो चलिए भी देखते हैं सोलह सौ पिचानवे करोड़ वाली कंपनी है क्या हमें जो ना ये तेजी बनते नजर आने वाली है कल के दिन या फिर जो शेयर है वो और ज़्यादा टूटेगा आप देखोगे स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड बना हुआ है ये डाउन ट्रेंड हमें कहाँ तक देखने को मिलने वाला है क्या नीचे में सपोर्ट बना हुआ है तो चलो देखते हो उससे पहले आर और जो ना अभी एम के लेवल देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर आप देखोगे 32 पर तो आर है और इसका जो एम है वो आपको देखने को मिल रहा है लगभग 34 पर तो आर एस आई दोनों दोनों आप देखोगे ठीक ठाक रेंज में है तो चलो देखते हैं अब इसके लेवल्स जैसा कि आप देखोगे एन एस सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें कैसा डाटा देखने को मिला है सोलह पिचासी का स्टॉक ने लो लगाया तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी करेक्शन छः सात परसेंट स्टॉक टूटा हुआ था आज के दिन बट यहाँ पर आप देखोगे भी स्टॉक के अंदर करेक्शन जरूर आया है यहाँ पर आपको जो अभी मार्केट प्राइस पर एक सेल ऑर्डर लगते नजर आया अब तेरह हज़ार हाँ दो सौ छिहत्तर क्वान्टिटी का डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी शानदार लगभग फोर्टी सिक्स परसेंट के आसपास जो डिलीवरी है वो उठाई गई है डिलीवरी शानदार उठी है फिफ्टी नाइन लाख के आसपास आपको ट्रेडेड क्वांटिटी और डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो ट्वेंटी सेवन लैख के आसपास तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठाई गई है लगभग फिफ्टी परसेंट के आसपास ही डिलीवरी उठी है डिलीवरी अच्छी उठ रही है इसका मतलब जो नीचे से स्टॉक को उठा रहे हैं तो चलिए भाई देखते हैं क्या इसके लेवल्स बन रही हैं कल के दिन क्या हमें जो इसके ऊपर लेवलों के ऊपर फोकस करना चाहिए जैसा कि आप देखोगे हमारे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको इसका एसल वगैरह लेने के लिए बोला था उसको स्टोक ने नीचे में ब्रेक किया है तो यहाँ पर आपका जो वो कटा है तो आपने ऑब्वियसली इसको सेल किया होगा तो चलिए भी देखते हैं क्या नीचे में रहेंगे अब इसके लेवल जैसा कि आप देखोगे प्रीवियस वीडियो में सत्रह रुपये पिचहत्तर पैसे का मैंने आपको इसको एक्सल लेके चलने के बारे में बोला था अट्ठारह रुपये के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग लिया था बट यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ने इसको नीचे में ब्रेक किया तो स्टॉक में बिग फॉल बन रहा है तो ऐसे में आप देखोगे नीचे में हमारा जो सेकेंड सपोर्ट रहेगा पंद्रह का हमारा जो ना अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इसका कल का अगर स्टॉक पंद्रह को नीचे में ब्रेक करता है तो आप देखोगे तेरह से चौदह के आसपास फिर जो शेयर है आपको आते हुए नज़र आएगा वहाँ से हम जो इसके अंदर एज ए लॉन्ग टाइम के लिए अपनी बाइंग कर सकते हैं अगर जिन्होंने स्टॉक ऑलरेडी सत्रह पर उठा रखा है पर उठा रखा है उन्हें अभी अपनी होल्डिंग बनाए रखनी है जब स्टॉक नीचे में आपको मिले आप देखोगे भी पंद्रह पिचासी के आसपास स्टॉक आपको मिले तो आपको जो ना नीचे के लेवल पर और बाइंग करना है यानी इसके अंदर जो नहीं आपको एवरेज करनी है ठीक है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको जो ना हर गिरावट में उठानी है अब इसकी अब यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है अगर एक बार ब्रेकआउट हो गया स्टॉक आपको जो ना आसानी से ज़्यादा नहीं पंद्रह से बीस परसेंट के जी हाँ पंद्रह से बीस परसेंट के जो रिटर्न है वो स्टॉक आपको आराम से स्विंग ट्रेड करके आप लोग जो है यहाँ से बना सकते हो तो स्टॉक के अंदर जल्द ही वो तेज़ी बनेगी जल्दी वो मूवमेंट बनेंगे नीचे में सपोर्ट रहेगा पंद्रह रुपये पिचासी पैसे का इसे आप लोग जो अभी नेक्स्ट के लेवलों के ऊपर जो है ना ले सकते हो और नीचे में ये आपको जो है अभी एस का भी काम करेगा इसे आप एस भी लेकर चल सकते हो अगर स्टॉक इसके नीचे में जाए तो हम लोग जो है ना इसको सेल करेंगे जैसे स्टॉक इसके ऊपर में आता है तो वहाँ पर हम लोग जो है इसको बाय करेंगे तो ये इसके लेवल्स रहेंगे कल के दिन आपको भी सुबह सुबह पाँच दस मिनट स्टॉक को वॉच करना है ठीक है ओपन मार्केट होते ही आपको इसके अंदर पैसा नहीं लगाना है थोड़ी देर वॉच करना है उसके बाद अगर स्टेबल्स होते नज़र आए अगर साइड में ना अभी एक साइड में अगर डाउन जा रहा है तो आपको जो है स्टॉक को वॉच करना है और पाँच छः परसेंट की गिरावट पर आपको नीचे के लेवल से कंसीडर करना है अगर आपको शॉर्ट टर्म में इंटर में कुछ बनाना है तो एक दो परसेंट मिल जाएगा तो नीचे के लेवल पर आपको जो है पाँच छः परसेंट टूटते नजर आए वहाँ से घुस घुसिए और यहाँ पर आपको जो है अभी एस मैंने बता दिया है इस लेवल के ऊपर फोकस कीजिए ऊपर में टारगेट उन्नीस पचपन और जो ना ऊपर में फिर इसका हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा तेईस पचपन का तो इसके दो लेवल्स बन रहे हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए देखिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो